हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बहुत काफ़ी दिनों पर चैनल बना रही हूँ, सॉरी, अब मेरी कंटिन्यू चैनल चलेगी। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और रेसिपी के पर चलती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी स्टार्ट करूँगी साबूदाना का बड़ा। बहुत ही सिंपल, आप कोई फास्ट में भी खा सकते हैं, ऐसे नॉर्मली शाम इवनिंग के टाइम पर स्नैक्स चाय के रूप में भी ले सकते हैं चाय पर। चलिए आज आपके साथ उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए, साबूदाना बड़ा के लिए मैंने ये 100 ग्राम साबूदाना जो 100 ग्राम साबूदाना था उसको मैं 4-5 घंटे पानी में रख के फुला ली हूँ। देखिए, अच्छी आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी फुला सकते हैं, नहीं तो 4-5 घंटे में भी अच्छे से फूल के देखिए डबल हो गया। ये मूंगफली है, ये 50 ग्राम मूंगफली है। मैंने इसको पहले रोस्ट करके और दरदरा पीस ली हूँ। देखिए, ये 3 बॉयल आलू है, इसको मैं छिलका निकाली और ग्रेट करके इसमें डालूँगी। और ये 1 इंच अदरक है, इसको भी मैं ग्रेट कर ली हूँ। 2 हरी मिर्ची है, इसको मैं बारीक काट ली हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये प्लेन सॉल्ट है। मैं सॉल्ट डालते टाइम बताऊँगी, पहले मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए, आलू को मैं ग्रेट कर ली हूँ। आप आलू को हाथ से भी फोड़ सकते हैं, चाहे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। इसलिए ग्रेट किए ना कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब सबको मैं इस साबूदाने में मिक्स कर देती हूँ। पहले मैं डालती हूँ ये मूंगफली का पाउडर, फिर डालूँगी हरी मिर्च, अदरक और ब्लैक सॉल्ट और प्लेन सॉल्ट। देखिए, अब आलू डाल देते हैं। अब नमक डालते हैं। नमक तो आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा, मैंने ब्लैक सॉल्ट प्लेन सॉल्ट दोनों डाली है। थोड़ा थोड़ा सा, वो तो टेस्ट के अनुसार नमक डालता है। उसके बाद थोड़ा सा डाल दूंगी रेड चिल्ली पाउडर। देखिए, 2 हरी मिर्च भी डाली है और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से। इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं हाथ धो के तब इसको बड़ा का शेप दूंगी। देखिए, हाथ को अच्छे से धो ली हूँ और थोड़ा सा पानी लगा ली हूँ क्योंकि ये बड़ा का शेप देना है। देखिए, थोड़ा सा ले ली हूँ, इसको हल्के हाथों से पहले गोल कर लेती हूँ। थोड़ा और ले लेती हूँ। देखिए, गोल हो गया। अब इसको हल्के हाथे से पुश कर देंगे। बस इसी तरह से मैं सारे बड़ा को बना लेती हूँ। देखिए, 5 बड़ा बना ली हूँ। अब तलने के प्रोसेस में आते हैं। देखिए, पहले से मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा रखी हूँ और फ्लेम हाई है और गर्म भी हो गया। अच्छा, अब फ्लेम को लो कर देती हूँ और बड़ा डालती हूँ धीरे धीरे। पहले एक डाल के चेक करती हूँ, तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है। देखिए, 5 बड़ा आ गया है एक बार में। और मैं इसको फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी क्योंकि धीरे धीरे अंदर से पके, हाई फ्लेम रहेगा तो ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। देखिए, पहले मैं बड़ा छोलनी नहीं लगाऊंगी क्योंकि टूट जाएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसलिए मैं छोटे चम्मच से पहले निकाल लूँगी कि जब कड़क हो जाएगा तब बड़ा चम्मच लगाऊंगी। अब मीडियम हाई फ्लेम कर देती हूँ। देखिए, धीरे धीरे सबको पलट लेती हूँ। देखिए, मैं सबको पलट दी हूँ, हल्का रेडनेस आ गया है। इसको मैं अच्छे से और पकाऊंगी, बिल्कुल रेडनेस आएगा, ये मीडियम फ्लेम ही रखूँगी। देखिए, अब हाई फ्लेम कर देती हूँ क्योंकि अब ऊपर से रेडनेस लाना है इसको। देखिए, क्रिस्पी भी हो गया है और अच्छे से, देखिए बिल्कुल शेप भी सही है। देखिए, मैं दोनों साइड दिखाती हूँ, बिल्कुल रेड हो गया और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया। अब मैं फ्लेम को कम करके और धीरे धीरे निकाल लेती हूँ। देखिए, मैं हल्के हाथों से इसको एक एक करके, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है मैं इसको हटा देती हूँ। थोड़ा सा ऐसे रखिएगा तो ऑयल हट जाता है। देखिए, साबूदाना बड़ा रेडी हो गया है। इसको मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसा सॉस पसंद है, चिल्ली वाला, ग्रीन चिल्ली। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।